What is the best way for recovery? First of all, I am very happy for my 205 subscribers YouTube family. Like, thanks a lot for joining me, Suraj ke saath. Recovery is the need of every single person, whether he is an athlete or ya koi aam aadmi jo ki parties mein dance karke thak jata hai. Every athlete wants ke uski recovery जल्दी हो जाए और उसकी परफॉर्मेंस एनहेंस हो जाए. तो पहले बात करते हैं पैसिव रिकवरी की. जब हम इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं या फिर हम किसी फुटबॉल मैच के बीच में छोटा सा रेस्ट लेते हैं या फिर हम बॉक्सिंग राउंड्स के बीच में एक रेस्ट पीरियड लेते हैं, तो हम फास्टेस्ट रिकवरी कैसे करें व्हेन वी आर शॉर्ट ऑफ ब्रेथ? क्या रिकवरी के लिए हमें धरती माँ की गोद में लेट जाना चाहिए या फिर बैठ जाना चाहिए या फिर खड़े रहना चाहिए? तो बेस्ट पोजिशन है के आर हैंड शुड बी ऑन आर नीज. दिस इज द बेस्ट पोजिशन. इस पोजिशन में कहते हैं कि हमारे लंग्स ऑप्टिमली वर्क करते हैं, हमारा डायफ्राम ऑप्टिमली वर्क करता है और हम मैक्सिमम ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. इवन यू कैन सी इन दिस आर्टिकल हियर, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, सेइंग दैट आर डायफ्राम वर्क्स ऑप्टिमली व्हेन वी आर इन दिस पोजिशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्टिव रिकवरी, जो कि ज्यादा हेल्पफुल होती है जब हम वर्कआउट के बाद, व्हेन वी हैव टू गेट रिड ऑफ आवर मसल सोरनेस और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम क्रायोथेरेपी का यूज करते हैं. इन क्रायोथेरेपी वी यूज कोल्ड वाटर बाथ्स. कोल्ड वाटर हेल्प्स अस टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन एंड सोरनेस और हमारी कपकपा के हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है. नाउ द बेस्ट मेथड टू गेट रिलीफ फ्रॉम मसल सोरनेस इज मायोफेशियल रिलीज. तो ये कोई नई थेरेपी नहीं है, पर काफी सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता. आर मसल्स आर लाइक ब्लड बैलून्स और जब हम मसल्स को प्रेस करते हैं तो हमारा ब्लड मसल से बाहर जाता है, जो कि हेल्प करता है इन रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लैक्टिक एसिड विच आर एक्यूमुलेटेड इन आर मसल्स. तो वी डू दिस विद द हेल्प ऑफ आर हैंड्स, सम फोम रोलर्स एंड सम टाइप ऑफ मशीन्स ऑल्सो विच आर रियली वेरी इफेक्टिव. इस मेथड को हम अपने घरों में सालों से यूज करते आ रहे हैं, जिसमें हम अपने बड़ों के पैरों को दबाते हैं और उनके ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट निकल के उसकी जगह फ्रेश ब्लड आ जाता है और उन्हें रिलीफ मिलता है. पर मेरी तरफ से आपको एक ही सलाह है कि अपने बड़ों के पैरों को ना दबाएं, क्योंकि बाद में वो लात आपको ही पड़ने वाली है. सॉरी. अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना. And do lots and lots of exercise, as now you know the best method for recovery. Red light, red dot, throwing up fans. Shorty in the back, give me hit no hands. And I'm way up too high, shorty on land. You thought it was a gun, it was a cock in my pants. Got 1, 2, living lavish. Gotta do 3, 4, no baggage. Had a got 4, 5, 6, go carrots. Smoking on green.